एक बार फिर महाराष्ट्र स्टेट पावरलूम फाउंडेशन द्वारा विशेष तौर पर पूरे महाराष्ट्र में हम आपको बता दें कि बिजली बिल माफ करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। विशेष तौर पर आपको बता दें कि एक तरफ महामारी का संकट जो पिछले 4 महीनों से पूरे देश और दुनिया में मंडरा रहा है, जिसके कारण हम आपको बता दें कि पूरी तरह से जो कारोबार है वो ठप पड़ चुका है। ऐसे में महाराष्ट्र स्टेट पावरलूम फाउंडेशन द्वारा भिवंडी शहर, जो पावरलूम उद्योग नगरी के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर मजदूरों का शहर कहलाता है। इस मजदूरों के शहर में विशेष तौर पर जिस तरह से बढ़ते बिजली बिल के कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र स्टेट पावरलूम फाउंडेशन के अध्यक्ष फैजान आजमी, उनके साथ में उनके सहयोगी मित्र यासीन मोमिन, नगर सेवक मलिक मोमिन, जलाल अंसारी, सहादत हुसैन, फिरोज अंसारी, फैयाज खुशहाल, हम आपको बता दें कि सारे लोग आज भिवंडी के प्रांत कार्यालय जाकर प्रांत अधिकारी के संबंधित अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा और मांग की कि इस लॉकडाउन के पीरियड में लोगों का कारोबार बंद था और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार जो पावरलूम नगरी भिवंडी शहर कहलाती है और कई लोग जो कई कारोबार से जुड़े हुए हैं, ऐसे में बिजली बिल माफ की जाए। हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए महाराष्ट्र स्टेट पावरलूम फाउंडेशन के अध्यक्ष फैजान आजमी, उनके साथ में एडवोकेट यासीन मोमिन, नगर सेवक मलिक मोमिन और इंजीनियर जलाल अंसारी ने जानकारी दी और क्या कहा, देखिए इस विशेष एपिसोड को। सिर्फ तोरण का नहीं है, हम पूरे महाराष्ट्र करना चाहते हैं, क्योंकि पूरी हालत लोगों की खराब है। लॉकडाउन की वजह से पूरे महाराष्ट्र में भूखमरी एकदम आ गई है। लोगों के घरों में पैसा नहीं है, लोग खाने के लिए मोहताज हैं, और हो सकता है अगर ऐसे ही टाइम रहा और नहीं ये काम हुआ तो कल आत्महत्या भी लोग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके पहले भी हमने कई बार कोशिश किया है कि गवर्नमेंट हमारी कोई सुनवाई कर ले, लेकिन हमको अंदर से ऐसी रिपोर्ट लगी है कि गवर्नमेंट ने 25 से 30% हमको छूट देने का वादा किया है, मगर कोई ऑफिशियली नहीं है। और अगर 25-30% देते हैं तो भी हमको एक्सेप्ट नहीं है। हम बरोबर 3 महीने के बिल पूरा माफ़ करें, ऐसा हमारा डिमांड है। और ये जब तक डिमांड नहीं पूरा होगा, हमारी कोशिश, हमारी जद्दोजहद सब चालू रहेगी। और अभी तो हम ये मेमोरेंडम दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद एजिटेशन चालू करेंगे, रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, धरना दौड़ आंदोलन करेंगे, या इस किस्म जो भी होगा धड़क मोर्चा निकालेंगे, जो भी होगा हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठने वाले हैं जहाँ तक कि पूरी तरह से 3 महीने का बिल माफ नहीं होगा। देखिए, ये जो मसला है ये बहुत अहम इस लिहाज से है कि सरकार अभी ये लॉकडाउन जो है या ये महामारी है 5वां महीना चल रहा है, पावरलूम सारे बंद हैं पूरे शहर के और कोर्ट कचहरी तक बंद हैं, तो इसमें लोगों की जो आर्थिक परिस्थिति है वो बहुत गंभीर हो चुकी है। लोगों के पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं बचे, तो बिजली का बिल वो कहाँ से भरेंगे। इसलिए हमने पहले भी निवेदन दिया और सरकार से हमने गुजारिश की थी कि सरकार हमारे 3 महीने का बिजली बिल माफ़ करे, मुकम्मल माफ़ करे, पावर लूम का भी माफ़ करे और घर पे जो बिजली इस्तेमाल होती है वो भी माफ़ करे। लेकिन उसके पिछला बिल मेमोरेंडम देने के बावजूद सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है, इसलिए मजबूरन हमको आज ये दूसरा मेमोरेंडम देना पड़ा। हम उम्मीद करते हैं कि उद्धव ठाकरे जी जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं और दूसरे जो इसके जो एनर्जी मिनिस्टर हैं राउत साहब और दूसरे सारे लोग इस पर गौर करेंगे और गौर करके ये बहुत ही जायज़ डिमांड है, बहुत जायज़ डिमांड है, ये पूरी होना चाहिए, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं सरकार से। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, इससे पहले भी हमने मेमोरेंडम दिया था, आज पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन चालू है। हमारा सिर्फ ये बोलना है कि भिवंडी के हालात बहुत खस्ता है, ये पावरलूम मजदूरों का शहर है। आज पावरलूम मजदूर धनी सारे कारीगर जा चुके हैं यूपी, खाने के धनियों के वांदे हो गए हैं, हर चीज़ की तकलीफ़ है, रिक्शा वालों की तकलीफ़ है, मतलब किसी को रोजी रोज़गार रहा नहीं है। और मैं महाराष्ट्र मुख्यमंत्री से यही निवेदन करना चाहूँगा कि बिजली बिल को 3 महीने के लिए माफ़ किया जाए, कोई परसेंटेज में नहीं बल्कि 3 महीने के लिए माफ़ किया जाए और जनता को राहत दी जाए। महाराष्ट्र में ऑल पार्टी सर्वपक्षी ये आंदोलन हो रहा है, इचलकरंजी, नागपुर, सोलापुर, मालेगांव, भिवंडी, पूरे महाराष्ट्र में 3 महीने का बिजली बिल
अप्रैल मई और जून तीन महीने का बिजली बिल माफ़ करने के लिए आज का ये आंदोलन हो रहा है। इससे पहले भी सरकार को बहुत से निवेदन, बहुत से मेमोरेंडम दिए गए। सरकार के पास ये मैटर अंडर कंसिडरेशन भी है। सरकार भी चाहती है कि इसका कुछ लाभ, इसका कुछ फ़ायदा और बिजली बिल माफ़ किस तरीके से होगा, वो लोग भी केंद्र से निवेदन कर रहे हैं वहाँ से कुछ फंड लेने के लिए, क्योंकि सरकार के बोलने पे ही पूरे प्रदेश में, पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में लोगों ने 5 महीने का ये लॉकडाउन किया है। हर किसी ने अपना रोटी रोज़गार बंद कर दिया, आज भी बंद है। तो जाहिर सी बात है कि आज इतनी आर्थिक मंदी है पूरे महाराष्ट्र में, ये जो भी हो रहा है आंदोलन पूरे महाराष्ट्र के लिए हो रहा है कि घर गुती जो कि बहुत ही आवश्यक है, तो घर गुती के बिजली बिल जो माफ़ होगा, साथ ही साथ छोटे कारखानेदारों के बिजली बिल माफ़ करने के लिए सरकार को आज हम लोग यहाँ प्रांत ऑफिस भिवंडी से निवेदन दिए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब और ऊर्जा मंत्री नितिन राउत साहब के पास ये दिया है, और हम चाहते हैं कि जो विचाराधीन है, जो अंडर कंसिडरेशन है, उसको वो लोग जल्द से जल्द उसमें निर्णय लें और पूरे प्रदेश को इसका फायदा पहुँचाए, बिजली बिल माफ़ करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़। धन्यवाद।